एक झारखंड प्रदेश को देश के कोने कोने के आदमी सुनते हैं, देखते हैं कि ये झारखंड एक खनिज संपदा अधनी प्रदेश और सोना का चिड़िया के रूप में देखते हैं। इतना धनी प्रदेश और यहां का जहां खनन हम सब कोई पैदा नहीं हुआ था, 150 साल पहले से यहां खनन होते हैं, मेजर खनन, आयरन और कोयला। बहुत सा यहां बात आते हैं कि यहां खनन का घोटाला, लेकिन एक भी यहाँ का आदिवासी मूलवासी किसी में एक आयरन और भी एक इतना बड़ा आयरन और का पत्थर को भी नहीं छुआ है। और यहाँ का खनिज संपदा गुजरात, बंबई, महाराष्ट्र, दिल्ली में उपयोग हो गया। उससे क्या प्रभावित हुआ है? यहाँ का आदिवासी मूलवासी उसमें उद्वास्तु हुआ, विस्थापित हुआ, जब माइनिंग हुआ उस एरिया का ड्राई हो गया। और यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र यहाँ के आदिवासी मूलवासी को वहां का सामाजिक आर्थिक शिक्षाणी के शोषण होते गया। और उसी को जनादेश प्राप्त करने के बाद हेमंत बाबू ने उसी को बुनियादी वहां का बुनियादी समस्या को समाधान कैसे करेंगे? यहाँ का आदिवासी मूल क्यों इतना धनी प्रदेश में रहते हुए यहाँ का आदिवासी मूलवासी बदन में कपड़ा नहीं आए? गर्मी के समय पैर में जूता नहीं है? क्यों इस तरह यहाँ का आदिवासी मूलवासी हुआ है? उसी को समझते हुए